अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम अपने नए सबक को पढ़ेंगे, मुश्किल अल्फाज के मायने लिखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो आज आपका जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 24 है और सबक नंबर 12, और उसका नाम है सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। कौन सा झंडा? हमारे मुल्क पाकिस्तान का कौमी परचम। और खुदा से ये दुआ है कि खुदावंद मुतआल हमारे इस झंडे को, हमारे इस कौमी परचम को हमेशा सर बुलंद रखें, हमेशा ये फ़ज़ाओं में लहराता रहे, अपनी आन बान दिखाता रहे, और परवरदिगार आलम ता क़यामत इस मुल्क को सलामत रखें, क्योंकि ये परचम आज़ाद फिज़ाओं में लहरा रहा है। तो इसका मतलब है कि हम आज़ाद मुल्क की आज़ाद फिज़ाओं में सांस ले रहे हैं। ये परचम जिसे सरबुलंद रखने के लिए ना जाने कितनी कीमती जानें कुर्बान हुई, ये परचम वो निशान है कि इस निशान से हमारी दुनिया में इज्जत है। हमारा एक कौमी परचम जो दो रंगों पर मुश्तमिल है, एक सफ़ेद और एक सब्ज हिस्से में चांद और तारा, और सफ़ेद हिस्सा कम है, और वो इस बात की निशानदेही कर रहा है, इस बात के मुतलिक हमें बता रहा है कि ये अक़लियतों के लिए अमन है इस मुल्क में, क्योंकि सफ़ेद रंग अमन की निशानी है। तो आज हम अपने इस सबक को पढ़ेंगे। मुश्किल अल्फाज मैं आपको बताती रहूँगी और उनके मायने भी आपको लिखवाती रहूँगी। आप अपने हाथ में लेड पेंसिल रख लें और गौर से इस सबक को पढ़ें और सुनें। मरियम सातवीं जमात में पढ़ती है। मरीहा सातवीं जमात में पढ़ती है। पिछले दो हफ्तों से उसकी जमात तालीमी और तफरीही सैर, तफरीही खुशी आज़ादी की सैर का प्रोग्राम बना रही थी। कोई तालबा मंगला डैम देखना चाहती थी, तो कोई कोहिस्ताने नमक खिवड़ा, कोहिस्तान पहाड़ देखने की शौकीन थी, शौक रखती थी। कोई हिरन मीनार देखने की ख्वाहिश जाहिर कर रही थी, और कोई छांगा मांगा के जंगल की सैर की तमन्ना रखती थी। तमन्ना ख्वाहिश आरजू हसरत। हिरन मीनार शेखुपुरा में है। लड़कियों से सैर के लिए किसी एक मुकाम जगह का फ़ैसला नहीं हो पा रहा था। बिलाखिर सब तालबात ने फैसले कहा अपनी प्यारी उस्तानी मिस मुमताज़ को दे दिया। मिस मुमताज़ ने कहा, प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हम लाहौर जाएंगे, वहाँ मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद और शाही किला देखने के बाद हम सपहर दिन का तीसरा हिस्सा, यानी कि रात से पहले और दोपहर के बाद दिन का तीसरा हिस्सा को वाहगा की सरहद पे जाएंगे और परचम उतारने की तकरीब देखेंगे। तकरीब खुशी का मौका मिल बैठना। मुकर्रा कायम किए हुए ठहराए हुए दिन व सपहर के वक्त वाहगा की सरहद पर पहुंच गए। फिजा हवा मिले नगमों से गूंज रही थी, मिली तरानों से, कौमी तरानों से गूंज रही थी, बुलंद थी। लोग बहुत पुरजोश, बलबले से भरे हुए, जज्बे से भरे हुए दिखाई दे रहे थे। वो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लाउड स्पीकर की आवाज़ और लोगों के नारों के बाइस वजह कान पड़ी आवाज़ मुहावरा है, बहुत ज़्यादा शोर होना। कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी, लाउड स्पीकर पर नगमा गूंज रहा था। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। लोग इस नगमे पर, इस तराने पर, इस गीत पर झूम रहे थे, खुश हो रहे थे। हज़ारों लोगों के हाथों में पाकिस्तानी झंडे और झंडियाँ थीं, वह इन्हें फिजा में लहरा रहे थे। सामने
वाघा की सरहदी दरवाजे पर सब्ज हिलाली परचम पूरी आबोताब आबोताब चमक दमक के साथ लहरा रहा था। सूरज गरूब होने को था, गरूब छुपने को। अब परचम उतारने का मरहला अहम काम आन पहुंचा था। पाकिस्तान रेंजर्स रेंजर्स यानी कि फौजी दस्ते कि चाकू चौबन होशियार तेज तर्रार जवानों ने बड़े अदब और एहतराम के साथ परचम की रस्सी को आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ खींचना शुरू किया। रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता परचम नीचे आता गया। जब परचम इतना नीचे आ गया कि इसे हाथ में पकड़ा जा सके तो पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने कमाल महारत फुर्ती चाबुक दस्ती हुनरमंदी और महारत किसी काम में माहिर होने के साथ परचम को तय किया। अदब के साथ ट्रे में सजाया और बावकार यानी कि बाइज्जत अंदाज में चलते हुए कमरे में चले गए। यूं ये पुरजोश वलवले से भरी हुई जज्बे से भरी हुई और पुरवकार बाइज्जत मौजिज तकरीब महफिल अपने अख्तिताम को पहुंची, ख़त्म हो गई। वापसी पर मिस मुमताज़ और तालबात कौमी परचम के हवाले से बातचीत करती रहीं। यानी कि ये एक उनका तफरीही ट्रिप था, जैसे आपके स्कूल का ट्रिप जाता है और वहाँ पे जो उन्होंने आंखों देखा मंजर देखा और फिर जब वो उस जगह से वापस आ रहे थे तो अब जो स्टूडेंट्स यानी कि बच्चियों और टीचर के दरमियान में जो बातचीत हुई वो यहाँ पर एक मुकालमे की सूरत इख्तियार कर रही है। वापसी पर मिस मुमताज़ और तालबात कौमी परचम के हवाले से बातचीत करती रहीं। कुछ इस तरह से है, राबिया मैडम हमें कौमी परचम के बारे में कुछ मालूमात दें, मालूमात यानी कि अहम बातें। मैडम कहने को तो परचम कपड़े का एक टुकड़ा होता है, लेकिन जब ये कपड़ा किसी ख़ास तनासुब से किसी निस्बत से किसी मुनासबत से और मखसूस ख़ास किए हुए रंगों के बायस वजह परचम की शक्ल इख्तियार कर लेता है, अपना लेता है, तो ये महज सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं रहता बल्कि ये इस मुल्क की इज्जत और वक़ार की अलामत निशानी बन जाता है। कौमी परचम किसी भी मुल्क की पहचान और शनाख्त होता है। शनाख्त पहचान तारुफ हमारा परचम हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का निशान है। ख़ुद मुख्तारी बाख्तियार आज़ादी। फातमा अब एक और बच्ची, मैडम हमारे परचम पर चांद सितारा क्यों बनाया गया है? मैडम फातमा बेटी हमारा परचम दो रंगों पर मुश्तमिल है। मुश्तमिल है शामिल होना, मुनस्सिर होना। इसमें सब्ज और सफ़ेद रंग शामिल हैं। सफ़ेद रंग एक चौथाई और सब्ज रंग तीन चौथाई होता है। सब्ज रंग पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, उनके बारे में बताता है, जबकि सफ़ेद रंग पाकिस्तान में मौजूद अकलियतों जो तादाद में कम हों की अलामत है, यानी कि जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे हिंदू हैं, ईसाई हैं, इस तरह के जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं की अलामत है, निशानी है। हम कौमी तराने में पढ़ते हैं, परचम सितारा हिलाल कहते हैं चांद को, पहली रात के चांद को हिलाल कहते हैं। रहबरे तरक्की कमाल, रहबर रास्ता दिखाने वाला, इसका मतलब है कि हमारे परचम पर बना हुआ हिलाल पहली रात का चांद हमारी तरक्की का रहबर है, रास्ता दिखाने वाला है। हिलाल पहली रात के चांद को कहते हैं, जिस तरह हिलाल बढ़ते बढ़ते पूरा चांद बन जाता है, इस तरह अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह ताला की फजल बढ़ाई करम फजीलत से मेहरबानी से हमारा वतन भी तरक्की के रास्ते पर गामजन रहेगा चलता रहेगा। इस पर पांच कोनों वाला सितारा बना हुआ है। पांच कोनों से मुराद इस्लाम के पांच सतून मुराद हैं, सतून रुकन। सुंबुल मैडम हमारे परचम का डिज़ाइन नमूना किसने बनाया था? मैडम सुंबुल ने बहुत उम्दा सवाल किया है। अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं कि हमारे कौमी परचम का डिज़ाइन किस शख्स ने तैयार किया था। जनाब अमीरुद्दीन किदवाई ने हमारे प्यारे परचम का डिज़ाइन तैयार किया था।
कुरातुलैन मैडम, हम अक्सर सुनते और पढ़ते हैं कि हमें कौमी परचम का तो एहतराम करना चाहिए। आप हमें बताइए कि हम किस तरह कौमी परचम का एहतराम कर सकते हैं। मैडम, आपने सवाल करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं खुद भी यही चाहती थी कि इस सिलसिले में आपसे बात करूं। याद रखिए, जब अपने मुल्क में कई मुल्कों के परचम एक साथ लहराए जाएँ तो कोई भी परचम पाकिस्तान के परचम से ऊँचा नहीं लहराया जाएगा। सायरा मैडम, अभी हमने वाघा की सरहद पर देखा था, गेट पर पाकिस्तान के परचम के साथ भारत का परचम भी लहरा रहा था और दोनों एक जैसे बुलंदी पे थे। मैडम, सायरा बेटी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अलबत्ता याद रखिए, अक्वामे मुत्तहिदा यानी कि तमाम दुनिया की जो कौमें जिस प्लेटफॉर्म पर जिस जगह मुत्तहिद हैं इकट्ठी हैं, उसे अक्वामे मुत्तहिदा की इमारत कहा जाता है। कि इमारात पर अक्वामे मुत्तहिदा का परचम बाकी परचमों से ऊँचा लहराता है, बाकी सभी ममालिक के परचम एक से ऊँचाई पर लहराते हैं। अगर किसी इदारे के साथ कौमी परचम लहराया जाए तो कौमी परचम लाजमन ऊंचा रखा जाएगा। बांस के साथ परचम का सफ़ेद रंग वाला हिस्सा आएगा। परचम के आदाब में एक नहायत अहम बात यह है कि इसे पाँव, जूतों, ज़मीन या किसी भी गंदी चीज़ से छूने से बचाना ज़रूरी है। इसी तरह परचम को तलुए आफ्ताब यानी कि सूरज निकलने के बाद लहराना चाहिए और गरूब आफ्ताब सूरज छुपने से पहले उतार लेना चाहिए। किसी सूरत किसी शक्ल परचम पर रात का साया नहीं पड़ने देना चाहिए। यहाँ मैं आपको ये बताना भी ज़रूरी ख्याल करती हूँ कि पाकिस्तान में एक इमारत ऐसी भी है जहाँ रात के वक्त परचम लहराया जाता है। बहुत से तालिबात हैरानी के साथ, मैडम वो कौन सी इमारत है? मैडम भाई, पार्लियामेंट हाउस है, यहाँ रात को भी यानी कि कौमी असम्बली भाई यहाँ रात को भी परचम लहराता रहता है, लेकिन एक ख़ास एहतमाम इंतज़ाम के साथ, और वो ये कि मस्नूई रोशनी के साथ परचम को रोशन रखा जाता है। नायला मैडम, हम 14 अगस्त को अपने घरों, दुकानों, इमारतों पर कौमी परचम लहराते हैं, मगर ये परचम रात के वक्त नहीं उतारते। मैडम बेटी, लोगों को मालूम ही नहीं, पता ही नहीं कि परचम के आदाब क्या हैं। आदाब अदब की जमा। अगर इन्हें मालूम हो कि रात के वक्त परचम लहराना परचम की तोहीन है, बेइज्जती है, जिल्लत है, तो मुझे यकीन है कि कोई ऐसा ना करे। आयशा मैडम, 14 अगस्त को हम अपने स्कूलों, बाज़ारों और घरों को कागज़ की झंडियों से भी सजाते हैं। हम इन झंडियों को उतारना भूल जाते हैं। हवा के चलने से या बारिश की वजह से ये झंडियाँ ज़मीन पर गिरती रहती हैं। आपने अभी बताया है झंडे का ज़मीन या जूतों से छूना आदाब के ख़िलाफ़ है, लेकिन हम तो इसका ख्याल ही नहीं रखते। यहाँ तक आपके लेक्चर का ए पार्ट था, और अब हम अपने बी पार्ट की तरफ चलते हैं।